Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. या और किसी चिकन में अपना जो स्प्रेड होता है उसका सैंडविच है, उसमें भी आप कुछ जैतून इसमें शामिल करके दे दें, ताकि ये कि बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जिस्म में वीकनेस बिल्कुल नहीं होगी और बेहतरीन चाको चौबंद बच्चा जो है वो रहेगा। और अपने लिए भी, यानी कि बच्चों के साथ साथ खुद के लिए भी, अगर इसको आप रेगुलरली अपने ज़िंदगी के अंदर शामिल करें, ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ाना लें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा अगर आप इसको लेते हैं सैलेड के तौर पर या आप कुकिंग में इस्तेमाल करें, लेकिन इसको जो जैतून होता है इसको ओवर कुक नहीं किया जाता, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया जाता। जैसे कि कुछ आपने सालन बनाया है तो आखिर में ऊपर से गार्निशिंग के लिए डालकर फिर उस सालन के साथ मिक्स करके आप इसको लेते हैं, तो एक खटास होती है इसके अंदर, जो सिरके की खटास होती है वो आपके खाने को और ज़बरदस्त बनाती है। बर्गर वगैरह के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है, इसको अगर जलेपिनो वगैरह के साथ अगर सर्व करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बर्गर या सैंडविचेस जो है बनते हैं इसके, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड थिंग ये कि अगर आप वैसे नॉर्मल ऑयल की बजाय अगर मायोनेज़ बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जैतून के तेल से बनाएं ताकि डाइट वाला मायोनेज़ तैयार हो, आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो, तो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो उसके लिए आप 2 अंडे ले लें या अंडे की सफ़ेदी ले लें, इसको बिल्कुल लाइट कर सकते हैं आप। अंडे की सफ़ेदी 4 ले लें, अंडे अगर लेने हैं तो 2 ले लें, अगर सफ़ेदी लेने तो 4 आपने सफ़ेदी ले ली, और उसके अंदर तकरीबन 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल काली मिर्च डाल दी आपने, थोड़ा सा नमक चुटकी भर डाला, 2 टेबल स्पून इसमें आपने चीनी शामिल की और उसे अच्छी तरह से मिक्स किया ग्राइंडर जग में डालकर। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर आहिस्ते आहिस्ते जो जैतून का तेल 300 ग्राम के करीब थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर शामिल करना शुरू करें, तो देखिएगा आप बेहतरीन सा आपका मायोनेज़ तैयार हो जाएगा। एक तो अंडे की सफ़ेदी हो गई, जर्दी के बजाय सफ़ेदी आपने इस्तेमाल कर ली, दूसरा जो है इसके अंदर आपने जैतून का तेल इस्तेमाल कर लिया, तो आपका मायोनेज़ वैसे ही हेल्दी हो जाएगा, और उसके अंदर काली मिर्च और नमक और चीनी थोड़ी सी शामिल होगी तो बेहतरीन बनेगा। इसके बाद मायोनेज़ जब तैयार हो जाए उसके बाद उसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लैक जैतून है और ग्रीन जैतून, इसको बारीक चॉप करके उसमें ऐड कर दें, इसके साथ आप जलेपिनो बारीक चॉप करके उसमें ऐड कर दें, और इससे क्या होगा कि आपका मायोनेज जो है ना, एक तो सादा होता है और दूसरा ये कि मायोनेज टेस्टी, मुख्तलिफ किस्म के उसके अंदर फ्लेवर जो है ना वो आ जाएंगे, तो आपका मायोनेज बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा तैयार होगा, इसलिए कि उसके अंदर जैतून भी होगा, उसके अंदर जलेपिनो भी होगा और साथ में मायोनेज भी होगा। और इसके साथ साथ आप अगर मस्टर्ड के साथ बनाना चाहते हैं मायोनेज को, तो मायोनेज आपका जो है जैतून के तेल में वैसे ही लाइट होता है और मस्टर्ड पेस्ट जो होता है वैसे ही सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त होता है, तो मायोनेज और मस्टर्ड पेस्ट थोड़ा सा मिक्स कर लें, उसके साथ थोड़ा सा गाजर और शिमला मिर्च बारीक चॉप करके डाल दें, तो बड़ा ज़बरदस्त सा टर्टर सॉस जो है वो तैयार हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, उम्मीद है कि आप समझदार हैं, ज़रूर ट्राई करेंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, मटन मंदी बनने वाला है और जल्दी से वापस आते हैं और बनाते हैं मटन मंदी। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। ये जो है आपके पूरे राइस को बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर देगा, ठीक है। इसको आपने मिक्स किया, उसके बाद इस बटर को आपने तोड़ दिया, साथ में इसको आपने साथ में इसके मिक्स कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, जब ये बटर मेल्ट हो जाए, अच्छा ओवर कुक नहीं करना है, याद रखिएगा, कभी भी अरबी खाने जो होते हैं इसके अंदर चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है आपने, वरना ये भुनाई नहीं आपने ज़्यादा कर दी तो फिर ये फ्लेवर पाकिस्तानी सा हो जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर हैं उज़्मा फ्रॉम सियालकोट, सलाम अलैकुम उज़्मा। वालेकुम अस्सलाम गुलजार भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें वरना लाइन ड्रॉप हो जाएगी। जी सर, मैंने बंद कर दी है। जी कहिए सर। मैंने आपको पहले भी 1-2 दफा कॉल की है, ठीक है, आगे भी करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या ये डस्के वालों की, सियालकोट वालों की कॉल ही नहीं लेते। अच्छा, ऐसा तो नहीं है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल लेते हैं, लाजमी सब सबकी कॉल लेते हैं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन की आपकी वाइफ आई है ना, वो उस दिन की कॉल कर रही है, लेकिन आज मिली है। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, कहिए गुलजार भाई। मैंने एक तो आपको चटनी कही थी, आलू बुखारे की चटनी जो पहले शादियों में बनती थी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आलू बुखारे 4 मगज डाल के मिर्चों वाली, बिल्कुल बिल्कुल मिर्चों वाली, बिल्कुल
जबरदस्ती। तो गुलजार भाई वो आप बताते हैं ना इश्क बोल की बूसी उसमें गूंद कतीरा डाल के पीना है वो, उसका क्या? उसका क्या जी वो उसका क्या मसलन क्या है कि ब्लड प्रेशर वाले इंसान? नहीं नहीं, वो मैदे के लिए भी है और पेट के गर्मी वगैरह की, मसानों की गर्मी होती है, जिगर की गर्मी, गर्मी के लिए जी, जिगर की गर्मी होती है उसके लिए बेस्ट है जी। अच्छा जी, तो सुबह खाली पेट हार्मोन, खाली पेट ले लें, बिल्कुल बेस्ट तरीका कार है। एक चम्मच? नहीं नहीं, आधा आधा चम्मच दोनों। अच्छा, पानी में मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दे, थोड़ा फूल जाएगा, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने जरूर पूरी करनी है मेरी फरमाइश, मैं इतने दिनों की कॉल कर रही हूँ, लेकिन आप नहीं, नहीं, पता नहीं लोगों को आगे आगे दफ्तर वालों को क्या प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके साथ बहुत ही अच्छा रवैया हमारा, और आपने देखा होगा हमारे कॉलर, मुझे अच्छा लगता है, मैं रात को नहीं सुबह को रिपीट आपका देखती हूँ मैं। जी 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 जी, हमारे कॉलर माशाल्लाह काफी तारीफ करते हैं हमारे, जो जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है ना उनका, और इंशाल्लाह जरूर आप कॉल कीजिए, इंशाल्लाह आपके मसला हल कर, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नादरीन, तो यहाँ हमने यखनी इसमें शामिल कर दी, और करने के बाद कभी भी यखनी शामिल करें तो यखनी को बघार समझ लें, इस तरह का बघार होता है ये, जो हम मसाला भून लेते हैं, भूनने के बाद इसमें हम शामिल करते हैं, तो इससे ये होता है कि बेहतरीन राइस तैयार होते हैं, और दूसरा यखनी में जो महक होती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास राइस है, राइस को मैं पानी निकालने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देते हैं राइस को, ठीक है, और ये हमारे पास सारा राइस चला गया, और इसके अंदर लगा देते हैं ढकने को। ठीक है जी, अब ये राइस तैयार हो रहा है, साथ में हम जो मटन कल जो लेग है उसको हमने स्टीम किया हुआ है, उसको थोड़ा सा कलर देंगे, कलर देने के बाद जब ये बॉइल्ड हो चुका होगा, राइस दम पर लगाने से पहले यानी कि जब इसमें नमी बाकी रहेगी, उसके साथ ही साथ हमने रान को इसके साथ ही रख देना है, ठीक है, ताकि ये राइस के साथ मिक्स हो जाए और उसका फ्लेवर जो है ना रान का वो गोश्त का इसमें भी चला जाए, इसलिए कि गोश्त का वैसे ही हमने इसमें पानी डाला हुआ है, और इसके साथ साथ रान में भी जब स्टीम लगेगी उसके अंदर गर्माइश पैदा होगी तो वो जो जूसीपन है ना, जूसीपन वापस आ जाएगा इसका, इसलिए कि स्टीम करने के बाद जब हम एल्युमिनियम फॉयल में लगा देते हैं तो उसके अंदर से जूसेस कम हो जाते हैं, तो वापस ये जब राइस के साथ रखा जाएगा और इसको दम पे लगाएंगे 10-15 मिनट, तो क्या होगा कि सारे जूसेस वापस आ जाएंगे इसके। ठीक है जी, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मटन मंदी, अज्जा, बकरे की रान एक अदद, बासमती चावल 2.5 कप, यखनी एक जग, गाजर स्लाइस एक अदद, शिमला मिर्च स्लाइस एक अदद, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, ओल्ड स्पाइसेस कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई 1.5 चाय का चम्मच, दालचीनी 2-3 डंडियां, छोटी इलायची 4-5 अदद, सफेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सिरका 2 खाने के चमचे, मक्खन 2-3 खाने के चमचे, जैतून का तेल 2-3 खाने के चमचे, बादाम और पिस्ता सजावट के लिए, नमक हसबे जायका, एल्युमिनियम फॉइल हसबे जरूरत। बकरे की रान बनाने का तरीका, एक मिक्सिंग बोल में लीमू का रस, ऑल स्पाइसेस पाउडर, सफेद मिर्च, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, सिरका, नमक, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इस बैटर से बकरे की रानों को मैरिनेट कर लें, एल्युमिनियम फॉइल से बंद करें और स्टीमर में रखकर 30 से 35 मिनट के लिए स्टीम कर लें। राइस बनाने का तरीका, एक पैन में मक्खन और ऑयल मिक्स करके शामिल करें, अब इसमें दालचीनी और छोटी इलायची शामिल करके कड़कड़ा लें, लहसुन का पेस्ट शामिल करें, अब इसमें यखनी शामिल कर लें, साथ ही ऑल स्पाइसेस, सफेद मिर्च, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, गाजर और शिमला मिर्च शामिल करें, और साथ ही चावल भी डाल दें। चावल जब पक जाए और दम के करीब आ जाए तो बकरे की रान को एल्युमिनियम से निकाल कर चावलों के बीच में रखें और दम लगा दें। दम पूरा हो जाए तो डिश आउट कर लें, बादाम पिस्ते से गार्निश कर लें। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी तैयार हो रही है, और वो बन रही है मटन मंदी। हम इसे लेग के साथ बना रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त राइस जो है इस वक्त खुशबूदार तैयार हो रहे हैं, और उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे आपकी किस तरह की रेसिपी बनी है। ठीक है जी, खुशबूदार हर चीज़ इसके परफेक्ट होनी चाहिए जिस तरह से हमने आपको बताया। आखिर में हम राइस
फाइनल होने से थोड़ा पहले हमने इसमें लेमन जूस डाल दिया ताकि ये ज़बरदस्त सा फ्लेवर इसका बन जाए, ठीक है जी। और जब अब थोड़ा सा इसमें पानी रह गया है तो जैसे कि मैंने कहा था कि रान इसमें ऐड कर दें ताकि रान के अंदर जो नमी ख़त्म हो चुकी है वो वापस इसमें आ जाए, ठीक है जी। ये हमारे पास रान हमने जो बेक करके रखी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है, ठीक है जी। और ये जो है थोड़ा सा मैंने टर्न किया ऐसे और इसे लगा देंगे हम ढकना, ठीक है। अब ये आराम से राइस पकेंगे और उसके बाद मैं इसको लगा दूंगा दम पर और फाइनली कितनी देर में क्या होगा कि ये रान में जो हमने स्टीम अलग किया था अब ये सारा फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएगा और बेहतरीन से हमारे मंदी जो है तैयार होगी, मटन मंदी, ठीक है। हमारे पास कॉलर है किरण फ्रॉम कराची, कराची। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसे हैं अंकल आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, खुश बस एज यूजुअल। जी किरण, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहूंगी अंकल, मसालों का भी बड़ा अच्छा था। अच्छा था, मजेदार था। मजेदार था मसाले बनाने में, मसाला जी बिल्कुल। तो वो अच्छे काफी जो मसाले जो बनाने में परेशानी थी तो वो मसालों की परेशानी दूर हो गई है, ठीक है। और साथ साथ अचार की भी परेशानी दूर हो गई होगी। अचार की परेशानी भी दूर हो गई, अचार खैर हमने ट्राई नहीं किया, इस दफा करूंगी इंशाल्लाह। जरूर बनाइएगा, ठीक है। अचार ट्राई नहीं किया, बाकी सब चीजें आपने ट्राई की जी। आज का सेट हमारा कैसा लग रहा है आपको? अपना मीट वीक शुरू हो गया है, गोश्त का, गोश्त, ठीक है जी। हाँ तो अंकल मुझे वैसे भी जरूरत है गोश्त खाने की, कुछ नई चीजें आप बनाएंगे ना? आप वैसे ही बड़ी कमजोर है ना, वैसे आप लोग गोश्त खाने की जरूरत है। मुझे वैसे भी गोश्त खाने की बहुत जरूरत है, बिल्कुल। तो आप थोड़ी डिफरेंट चीज, अंकल गोश्त में ना गोश्त का हलवा बनाइएगा। गोश्त का हलवा, ठीक है इंशाल्लाह। आप ना मुझे आपकी वाली रेसिपी फॉलो करते हैं, मैंने बनाया था मगर मुझे आपकी फॉलो, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह तैयार। दाल वाला आपने कहा ना, दाल वाला भी बहुत अच्छा था। थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो चल रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक साल और 250 एपिसोड्स आपको कंप्लीट हो गए तो उसकी कंग्रेचुलेशन। हाँ थैंक यू, माशाल्लाह आप काफी गौर से देखती हैं शो को। हाँ शुरू से थी ना, शुरू से शो पे कॉल नहीं लगी थी, सेकंड शो पे मेरी कॉल लगी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से आपको 250 एपिसोड हो गए ना, बहुत और एक साल भी आपका माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारक जी। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आपको और आपके तमाम देखने वालों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक मेरा साथ देने का और मेरे साथ रहने का और एंजॉय करने का, ठीक है जी। ठीक है ठीक है अंकल, बस अभी बस इसी वीक के अंदर अंदर है ना, मैं आपको आके बुक दिखाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह से कोशिश करते रहे, हमारी दुआएं आपके साथ ही, अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी टीम को कामयाब करे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी, आज ये एक मटन मंदी तो बन रही है, इसके साथ अरबी एक डिश होती है, इसको कहते हैं बाबा गनूज। बाबा गनूज बेसिकली एक सैलड टाइप चीज़ है, या इसको साइड डिश के तौर पर कह लें। जब हम अपना अरबी खाने खाने जाते हैं तो स्टार्ट में हमें जैसे कि बहुत सारे हमस सर्व किया जाता है या बाबा गनूज सर्व किया जाता है, तो उसको हम किसी ब्रेड के साथ या पीटा ब्रेड के साथ लगा कर उसे खा रहे होते हैं, उसके बाद फिर खाना सर्व होता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको आज जो है बाबा गनूज सीखने का मौका मिलेगा। असल में इसके लिए क्या होता है कि हम बैगन को जला लेते हैं, ठीक है जी, चूल्हे पे जला लें या किसी पैन में जला लें, जब जल जाए बैगन सॉफ्ट हो जाए उसके बाद इसका छिलका उतार लें, उतारने के बाद इसे आप कटिंग बोर्ड के ऊपर रखें और इसके साथ ले लें लहसुन, ठीक है, खूब सारा, और इसे आप दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे करें चॉप, ठीक है, मज़ेदार तरीके से चॉप करें इसे, और ये देखें इस तरह से, ठीक है जी। और ये इसका मज़ा ही इसी के अंदर है, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। इसको वैसे मशीन में चला देते हैं बाज़ लोग, लेकिन ये कि मैंने भी रेसिपी कार्ड में लिखा, लेकिन आसानी के लिए, लेकिन इसको अगर आप चॉप करेंगे ना तो उसका मज़ा ही कुछ और है, इस तरह से। बारीक चॉप कर लें, देखिए मैं पूरे चापड़ को ना हर तरफ से टर्न कर रहा हूँ ताकि ये हमारा जो अमेजा है ना वो मिक्स हो जाए आपस में अच्छी तरह से, ठीक है। ये देखें इसको टर्न कर लिया दोबारा से आपने, और उसके बाद
चलें जी, ये मिक्स हो गया हमारे पास। बाबा गनूज का बेसिक जो टेस्ट है वो बैंगन और लहसुन, अच्छी तरह से जब मिक्स हो गया उसके बाद आपने इसका इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है। ठीक है जी, ड्रेसिंग तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगा नींबू का रस, ठीक है, उसके साथ चाहिए होगा तहानिया सॉस। तहानिया सॉस जो है बेसिकली बनता है ये जो तिल होता है, तिल, जैतून का तेल और लहसुन और थोड़ा सा नमक, चार चीज़ें हैं, तिल और जैतून का तेल, थोड़ा सा लहसुन और नमक, और इससे जो है तिल को आप बॉईल कर लेते हैं, बॉईल करने के बाद इसको पीसेंगे, कभी भी कच्चा तिल नहीं पीसेंगे वरना वो मशीन में चलेगा ही नहीं, ठीक है, इसको बॉईल करके पीसेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ सा पेस्ट तैयार होगा, ठीक है। और इसके साथ हमने थोड़ा सा नमक ऐड करना है इसमें, और इसके बाद इसे करना है मिक्स अच्छी तरह। क्या क्या चीज़ें आ गई, नींबू का रस आ गया, नमक आ गया और तहानिया सॉस आ गया, ठीक है जी। हमारे पास कॉलर है हुमा फ्रॉम रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम हुमा। बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी आपके प्रोग्राम में कॉल करने की, नहीं मिलती। अच्छा ठीक है, क्योंकि इतने जबरदस्त आपने सेट लगाए थे सब्जियों के दिल देख के खुश हो गया। थैंक यू। अच्छा दालों के इतने जबरदस्त सेट लगाए थे जी, जी, जो आपने चीजें बनाई हैं वो जिंदगी में कभी इतनी अच्छी चीजें मैंने बनते हुए देखी। बहुत कुकिंग शोज देखते हैं, मगर जो चीजें आपने बनाई हैं बहुत शुक्रिया। ऐसे अचार हम लोग भी डालते हैं मगर ऐसे अचार में। अच्छा ठीक, बहुत जबरदस्त अचार आपका, बहुत अच्छा प्रोग्राम, आज का जो आप कर रहे हैं आज भी बहुत जबरदस्त है, बड़ी अच्छी चीजें बना रहे हैं, अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम देख के। बहुत शुक्रिया। आपने पहली दफा कॉल की जो चीजें बनाई है ना जी, वो तो दिल खुश हो गया। थैंक यू, आपने पहली दफा कॉल की है। मैंने पहली दफा कॉल की और मैं कोशिश तकरीबन एक महीने से कर रही हूँ जब से आपका ये वीक शुरू हुआ। अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, और इंशाल्लाह इसी तरह से हमारी कोशिश जारी रहेगी कि मज़े के जो है वीक्स मनाएं आप लोगों के लिए। और बहुत सारे अभी एक इस शो में हमने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए ना आउटडोर कुकिंग भी हमने की है जाकर, और वो भी इंशाल्लाह आपको जी। थैंक यू, हमारे पास टाइम हो गया ब्रेक का, मैं ये डाल दूंगा इस पर, और इसके साथ जैतून का तेल, पेपरिका, ये सब चीज़ें डालने के बाद, गार्निश होने के बाद जब आप वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि बाबा गनूज को सर्व कैसे किया जाता है। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। बाबा गनूज मुतब्बल, अज्जा, बैंगन एक अदद, लहसुन 2-3 जवे, तहीना सॉस 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 4 खाने के चमचे, पार्सले या हरा धनिया चॉप्ड आधा कप, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, जैतून का तेल 3-4 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब, सबसे पहले बैंगन को ऑयल से ग्रीस कर लें, अब इसे चूल्हे या अवन पे इतना पकाएं कि इसका छिलका काला या जल जाए और पक जाए। अब इसे उतार कर ठंडा कर लें, कांटे की मदद से इसका छिलका उतार लें, फिर इसे छोटे टुकड़ों में काट लें, लहसुन के जवों को नमक के साथ मैश कर लें, अब इसमें बैंगन शामिल कर लें और इसे स्मूथ मैश कर लें। अब एक ब्लेंडर जग में तहीना और नींबू के रस को ब्लेंड कर लें, अब एक सर्विंग डिश में बैंगन का अमेजा डालें, ऊपर से जैतून का तेल डालें, पेपरिका छिड़कें, पार्सली हरा धनिया से गार्निश करें और सर्व करें। बाबा गनूज मुतब्बल तैयार है। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार मीट वीक चल रहा है हमारा, और मटन मंदी तैयार हो रही है, उसके साथ बाबा गनूज जो है हमने तैयार कर लिया है, और मैं इसको सर्व नहीं किया, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने से हम बताएं कि किस तरह से सर्व किया। सबसे पहले हमने जो बैंगन है उसको जला लिया, उसका छिलका हटाया, और उसे हमने लहसुन के साथ बिल्कुल अच्छी तरह चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जब वो मिक्स हो गया उसमें तहानिया और साथ में जो है उसके साथ मिक्स कर दिया हमने तहानिया और लेमन जूस, दोनों चीज़ें जब मिक्स हो गई थोड़े से नमक के साथ, तो उसके बाद फिर हमने इसे मिक्स करने के बाद इस तरह का हो जाएगा ये, ठीक है, इसे आपने डिश आउट कर लेना है, ठीक है, सेंटर में, और इसके साथ इसको सर्व करने का तरीका कार है एक खास, तो मैंने कहा कि ये अगर आपको आपसे मिस हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि हमें आपने बताया नहीं, ठीक है, तो ये सर्व करने का तरीका कार मैं चाहता हूँ कि आपके सामने ही इसे सर्व करूँ, ठीक है, ये है बाबा गनूज को सर्व करने का तरीका, ठीक है, ये मैंने इसमें डाल दिया,
उसके बाद इसमें आप डालेंगे पेपरिका, ठीक है, पेपरिका आपने डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इसके ऊपर से जाएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ठीक है जी। इसके ऊपर से जाए पासले या हरा धनिया, जो भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर से ऐड कर दें। ये देखें आप, इसका जो सर्व करने का तरीका कार अब आपने देख लिया, अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम बाबा गणूज को सर्व करेंगे, ठीक है। हर चीज़ का एक अपना स्टाइल होता है, तो ये आ गई हमारी पहली रेसिपी, और सेकंड रेसिपी हम बनाएंगे सैलेड की। लेकिन सैलेड बनाने से पहले सर्व करने का तरीका एक तो ये था, अब आप जो मंदी है उसको सर्व करने का तरीका भी सीख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। यहाँ हमने मंदी हमारी फाइनली तैयार हो गई है, खुशबूदार, धुएँदार, ठीक है जी। इसका जो मटन हमने लेग बनाया था वो हम पहले निकाल लेंगे इसमें से, ठीक है, ठीक है, इसे हमने साइड पर रख दिया, ठीक है। और इस पर से जो राइस है वो हमने मिक्स किया थोड़ा हल्का हल्का सा, और इसे आपने डिश आउट कर लिया, गर्मा गर्म राइस। खुशबूदार इस वक्त बड़ी अच्छी सी, एक भीनी भीनी सी जिसको कहते हैं ना, खुशबू आ रही है, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई, राइस आ गया और साथ में इसके ऊपर से रान को अलग कर लिया हमने, और अब हम आ जाते हैं रान की तरफ। रान को हमने लिया, उसके सेंटर में इस तरह से फिट कर दिया हमने, ठीक है जी। और इसके साथ छिलके छिलके उतरे हुए थोड़े से पिस्ता, और थोड़ा बादाम, छिलके उतरे हुए, ठीक है, हल्का सा ऑयल में रोस्ट कर लें तब भी ठीक है। ये हो गया फाइनली मटन मंदी, और ये तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको इसका कलर और खुशबू, खुशबू तो नहीं जा रही होगी, कलर और धुएँदार मटन मंदी जो है हमारी फाइनली तैयार है। और अब आ जाते हैं एक और चीज़, वो है सैलेड, और वो भी गोश्त का सैलेड, ठीक है जी। गोश्त का सैलेड बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले आप लहसुन अदरक में मिक्स हुआ हुआ गोश्त, यानी कि बॉइल्ड हुआ हुआ, और इसके साथ साथ हम जो इसकी ड्रेसिंग बनाएंगे उससे पहले हमारे पास कॉलर हैं अजहर फ्रॉम अटक। अस्सलाम वालेकुम अजहर। अस्सलाम वालेकुम शेफ गुलजार, कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वीक किया आपने, बहुत आला। थैंक यू बहुत शुक्रिया। क्या तारीफ करें आपकी शेफ, अल्लाह पाक आपको सेहत जिंदगी दे, आपने तो लमदम मस्त कलंदर कर दिया। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा शेफ, आपसे एक चीज पूछनी थी कि ये जो सजी बनती है बलोची सजी, जी जी बिल्कुल पूरे सालम लैम्ब की, हाँ लैम्ब की पूरे साल, आप काइंडली मुझे ये अभी ऑनियर बताइएगा कि आग का फासला कितना रखना है, आग का फासला कितना रखना, ठीक है, ठीक है। जो कोयले है ना उससे कितना दूर वो रखेंगे पूरा लैम्ब अगर रखना हो तो? जी बिल्कुल, अभी बता देता हूँ, 1.5 फीट होता है ये, 1.5 फीट। अच्छा डेढ़ फीट। टाइमिंग कितनी होगी? हाँ सॉरी, टाइमिंग कितनी होगी? इसके लिए काफी टाइम चाहिए होता है, लेकिन इसको जो है आपने पलटते रहना है,
यानी कि एक तरफ तो बिल्कुल पलटते रहेंगे। अभी हमारी एक गेट टू गैदरिंग होनी है तो हमने करनी थी, मैंने कहा इसका फासला और टाइमिंग तकरीबन डेढ़ से पौने घंटा लगता है इसको बनने में पूरे। और अगर देसी चिकन की बनानी हो तो फिर उसको फासला कितना रखेंगे? वो भी तकरीबन एक से डेढ़, हाँ डेढ़ फीट ही होता है, बिल्कुल एक से डेढ़ फीट के। जी जी बिल्कुल। और दूसरा शेफ, आप माशाल्लाह अब आपने वीक का सिलसिला शुरू किया है तो मेरी एक एक सजेशन समझ लें। जी 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 बिल्कुल। आप ऑमलेट का, एग का, जिस तरह ऑमलेट बनते हैं ठीक है ठीक है, उसका एक पूरा वीक रखें क्योंकि बहुत डिफरेंट क्वालिटी के, आपको पता है डिफरेंट स्टाइल के ऑमलेट बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये पॉसिबल हो सके तो ये काइंडली कीजिएगा। और दूसरा एक, अभी आप ये मटन और बीफ का वीक कर रहे हैं जी जी, बिल्कुल, तो काइंडली लोफ का, बीफ लोफ या मटन लोफ की कोई यूनिक सी रेसिपी तो काइंडली बताइए। बिल्कुल इंशाल्लाह मैं बिल्कुल बिल्कुल बनाता हूँ। ठीक है जी, ठीक है शेफ। तो अभी इस्लामाबाद का फिर तो टूर नहीं लगना? इंशाल्लाह हो सकता है लगाऊं, चक्कर लगाऊं। अच्छा ठीक है, अगर मैंने वो अभी आपके कंट्रोल रूम को कहा है कि जब आप आए तो काइंडली मेरा नंबर उनके पास है, मैंने कहा आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं स्पेशल आपके पास आऊंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर जरूर आइएगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आइडिया दिया आप लोगों ने और इंशाल्लाह इसको हम जरूर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ हम ड्रेसिंग तैयार कर रहे हैं जो सैलेड की है, ठीक है। इसके अंदर हमने जैतून का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले लिया, थोड़ा सा सिरका ले लिया वाइट वाला, ठीक है जी। और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया थोड़ा शहद, ठीक है जी। और उसके बाद चुटकी नमक, और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया ये जलेपिनो यानी कि मिर्चें सिरके वाली, और थोड़ा सा जो है इसमें खीरा सिरके वाला, ठीक है। ये हमने डाल दिया, उसको हमने कर दिया मिक्स अच्छी तरह से, और उसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है काले और हरे वाले जैतून, ठीक है जी। ये है हमारे पास गोश्त जो मैंने आपको बताया था बॉईल किया हुआ है, और उसके रेशे निकाले हुए हैं जिसको लहसुन और थोड़े से नमक के साथ बॉईल किया। और ये है टमाटर, और ये है खीरा, ठीक है। और ये है सलाद के पत्ते। अब इसको हमने करना है मिक्स और डिश आउट करना है। टाइम ब्रेक है जी, टाइम ब्रेक का हो गया है, इसे मैं मिक्स करूंगा सिर्फ और इसे डिश आउट करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। गोश्त का सैलेड, अज्जा, बीफ बॉइल्ड 100 ग्राम, जैतून काले आधा कप, जैतून हरे आधा कप, आइसबर्ग एक अदद, टमाटर दो अदद, खीरा एक अदद, ड्रेसिंग के लिए चिली पिकल चॉप्ड 4-5 अदद, क्यूकम्बर पिकल चॉप्ड 2-3 अदद, सिरका 2-3 खाने के चमचे, शहद 1-2 खाने के चमचे, ऑलिव ऑयल 1 कप, नमक हस्बे जायका। गार्निशिंग के लिए गाजर, खीरा, सलाद पत्ते, टमाटर। तरकीब, तमाम सब्जियों के स्लाइस या चॉप्ड कटिंग और बीफ को बॉईल करके रेशा कर लें। ड्रेसिंग बनाने के लिए तमाम अज्जा को मिक्स करके ड्रेसिंग तैयार कर लें। सर्विंग का तरीका, सब्जियों और बीफ को सर्विंग प्लेटर में डालकर ऊपर से ड्रेसिंग डाल दें और सर्व करें। वेलकम 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 बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार, खुशबूदार और जबरदस्ती जो है ना हमारी रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जो है मटन मंदी जो है तैयार की है, और इसके साथ बाबा गनूज हमने बनाया, और गोश्त का सैलेड जो है तैयार किया, गोश्त और ऑलिव का सैलेड जो है। गोश्त को यानी कि सिर्फ वैसे नहीं, आप मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने सैलेड में इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आपने सिर्फ लहसुन के साथ बॉयल कर लिया, अदरक लहसुन के साथ, नमक के साथ बॉयल कर लें, रेशा कर लें, और उसे सैलेड में भी डालकर यूज़ कर सकते हैं। और टेस्ट जो हमने रखा है वो सिंपल रखा है, यानी कि जैतून का तेल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा लहसुन, और इसके साथ जो है नमक, और साथ में नींबू का रस, और ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा, टेस्टी सा और हेल्दी सा। एक तो ये कि टेस्टी भी होना चाहिए, साथ में हेल्दी भी होना चाहिए, तो हेल्दी भी होगा
और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आज हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी ऑलिव के बारे में, और ऑलिव जो है वो माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी चीज़ है, इसको अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल रखें, हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा जब भी जितना भी आपको अफोर्ड आप कर सकते हैं उसके हिसाब से ऑलिव ऑयल और ऑलिव जो है इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसका फ़ायदा होगा। और मीट वीक में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो आने वाली हैं, मिस नहीं करना है आपने, हमारे साथ रहना है। अगर कोई जैसे रेसिपी आपसे मिस हो गई हो तो हमारा फेसबुक है आज इंटरटेनमेंट का, उस पर आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप रेसिपी ले सकते हैं। इसके अलावा आज रात यानी कि रोज़ाना जो रिपीट टाइम है वो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ कि आज रात 1 बजे रिपीट होगा हमारा प्रोग्राम, और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा। आज रात 1 बजे, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, दो टाइम रिपीट होता है, तो आप उसमें भी अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो तो ज़रूर देखिएगा, इसलिए कि आजकल वैसे भी बड़ा रुझान है लोगों का मंदी की तरफ, और मटन मंदी तो हमने बनाना सिखा दिया, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि चिकन मंदी भी आपको बनाना सिखाएं, ताकि आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि मटन मंदी हमने बनाया है स्टीम के साथ, लेकिन इसको जो है बेसिकली बहुत ही गहरी से एक तंदूर होता है जिसके अंदर इसको बनाया जाता है, इसको गोश्त को लटका दिया जाता है उसके अंदर हैंगर के साथ, और ये उस स्टीम के अंदर उस गरमाइश के अंदर गोश्त जो है गलता है, ठीक है जी। लेकिन वो ज़ाहिर बात है यहाँ हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कि जो बाहर अरबी स्टाइल है उसको भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे सर्व किया जाता है मटन मंदी को, ठीक है जी। ये थी हमारी आज की रेसिपी और इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चाओ।